हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पेडोफाइट्स की क्लासेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट थ्री है। इससे पहले मैंने दो पार्ट्स बना रखे हैं। पार्ट वन में जनरल फीचर्स ऑफ पेडोफाइट्स थे, पार्ट टू के अंदर लाइफ साइकिल ऑफ पेडोफाइट्स था, और आज पार्ट थ्री के अंदर मैं क्लासेस को डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पेडोफाइट्स के अंदर टोटल चार क्लासेस होती है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और फिलिसिनी। चार क्लासेस होती है। इनमें से इस वीडियो के अंदर मैं केवल एक क्लास डिस्कस कर रहा हूं, उसका नाम है साइलोप्सिडा। ठीक है। नाउ साइलोप्सिडा क्लास क्या है? तो पहली बात तो ये जान लो कि ये जो क्लास है वो सबसे प्राचीन समनीय पादप है। अब ये बात तो क्लियर है कि टेडोफाइट्स के अंदर सबसे पहले समन उत्तकों का निर्माण हुआ, जाइलम फ्लोएम का निर्माण हुआ। लेकिन ये जो साइलोप्सिडा है वो सबसे प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट है, सबसे प्राचीन समनीय पादप है जिनमें की जाइलम फ्लोएम विकसित हुआ था। ओके और ये जो साइलोप्सिडा है इसके कुछ फीचर्स हैं, राइट? आपको लगेगा कि कुछ फीचर्स जो है वो टेडोफाइट के एडवांस टेडोफाइट जैसे नहीं है, राइट? देखिएगा, इनका पादप शरीर कैसा होता है, तना का बना होता है। एक तो स्टेम तो होता है इनके अंदर। दूसरी चीज, इनके अंदर नॉर्मल पत्तियां, प्रकाश संश्लेषी पत्तियां नहीं होती है, उसके स्थान पर इनके अंदर शल्की पत्तियां पाई जाती है, स्केल लीव्स या स्केली लीव्स पाई जाती है, जिनके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा। और तीसरा, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं, यानी कि राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो पादप शरीर के कितने भाग हो गए? तीन भाग। एक तो स्टेम है, दूसरा है स्केली लीव्स यानी कि शल्की पत्तियां, और तीसरा मूलों के स्थान पर क्या है, मूलाभास है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि साइलोप्सिडा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जड़ विहीन पेडोफाइट्स हैं, मतलब इनके अंदर रूट्स नहीं है। इस समूह के पादपों में जड़ के स्थान पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि साइलोप्सिडा के सदस्य ऐसे हैं जिनके अंदर की रूट नहीं है, रूट के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स या मूलाभास पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, यदि मैं इनके तने की बात करूं तो इनका तना भूमि के अंदर स्थित है, अंडरग्राउंड है, भूमिगत है, यानी कि और जो भूमिगत तना है उसका प्रकार क्या है, तो राइजोम के रूप में होता है। मैं फिर से बता दूं, इनका तना भूमिगत होता है और उस भूमिगत तने को हम क्या बोलते हैं, प्रकंद, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइजोम कहते हैं। आर यू गेटिंग नाउ? ये जो राइजोम है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, तो राइजोइड्स पाए जाते हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूं, मूल तो है नहीं, मूलाभास से राइजोइड्स है, तो राइजोइड्स किसके ऊपर पाए जाते हैं, तो राइजोम पर पाए जाते हैं। तो राइजोइड्स किसके ऊपर पाए जाते हैं, राइजोम पर। अच्छा, अब ये जो राइजोम है यानी कि जो भूमिगत इनका तना है उससे कुछ बाहर की तरफ शाखाएं निकलती है, वायवीय शाखाएं निकलती है, कुछ एरियल ब्रांचेस निकलती है। ठीक है। और इन एरियल ब्रांचेस का क्या इंपॉर्टेंट योगदान है, तो स्पोरेंजिया का निर्माण इन्हीं वायवीय शाखाओं पर होता है। ठीक है। स्पोरेंजिया का निर्माण, बीजाणुधानी का निर्माण, जिसमें कि बीजाणु बनते हैं वो इन्हीं वायवीय शाखाओं के ऊपर बनते हैं। कहने का इतना सा मतलब है कि जो इनका भूमिगत तना है राइजोम, उससे कुछ बाहर की तरफ शाखाएं निकलेगी जो कि भूमि के बाहर है, और उनके सिरों पर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आर यू गेटिंग? यानी कि आपने जो जनरल फीचर्स में पढ़ा था कि स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स के ऊपर विकसित होती है, बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण के ऊपर विकसित होती है, लेकिन यहां पर तो बीजाणुपर्ण तो है ही नहीं, स्पोरोफिल्स तो है ही नहीं, तो स्पोरेंजिया जो है वो इन्हीं वायवीय शाखाओं के सिरों के ऊपर क्या होती है, बनती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि इनके शरीर के तीन भाग है, स्टेम, शल्की पत्तियां और राइजोइड्स, लेकिन इन तीन में से जो वेस्कुलर टिश्यूज है यानी कि संवहनीय उत्तक, जाइलम फ्लोएम है, वो केवल किसमें उपस्थित है, वो केवल और केवल किसमें, तने के अंदर उपस्थित है, स्टेम के अंदर प्रेजेंट है। चलो, जैसा कि मैंने कहा कि इनके अंदर शल्की पत्तियां पाई जाती है, इसका मतलब इनके अंदर जो सामान्य पत्तियां होती है, ट्रोपोफिल्स जिनको की कहते हैं, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषी पत्तियां हैं वो इनके अंदर पूरी तरीके से अनुपस्थित होती है, और उनके स्थान पर इनमें शल्की पत्तियां पाई जाती है। मैं अभी शल्की पत्तियों के बारे में और भी डिटेल्स बताऊंगा, यानी कि इनके अंदर स्केली लीव्स है लेकिन फोटोसिंथेटिक लीव्स या ट्रोपोफिल्स नहीं है। ठीक है। और इनके अंदर जो ये स्केली लीव्स है, राइट, जो शल्की पत्तियां हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैटाफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, कैटाफिल्स। और इन शल्की पत्तियों की विशेषता क्या है कि ये भूरे रंग की होती है, राइट, ब्राउन कलर की होती है, ड्राई होती है, सूखी हुई होती है,
नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, अप्रकाश संश्लेषी होती है, और इसका केवल एक ही काम है और वो है स्पोरिंजिया को क्या प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि जो स्पोरिंजियाज है उनको ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। चलो, और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्षमता नहीं होती। मैंने कहा जैसा कि यहाँ पर ट्रोपोफिल्स यानी कि प्रकाश संश्लेषी पत्तियां तो है नहीं, तो पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं है। इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो स्टेम के द्वारा होता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि स्पोरिंजिया वायवीय शाखाओं के ऊपर बनती है, इसका मतलब स्पोरोफिल्स यानी कि बीजाणुपर्ण तो इनके अंदर है ही नहीं। और इस क्लास के मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब नहीं है। केवल इस समूह का केवल एक ही सदस्य क्या है, जीवित है, और उसके कारण उसे हम जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, और उसका नाम है साइलोटम। एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साइलोप्सिडा क्लास का एकमात्र जीवित सदस्य कौन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइलोटम कहते हैं, ठीक है, साइलोटम। और दो ऐसे मेंबर्स हैं जो अभी जीवित तो नहीं है लेकिन उनके फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं, और उसका नाम है राइनिया। एक का तो नाम क्या है, राइनिया, और दूसरे का नाम क्या है, हॉर्नियोफाइटोन। तो डियर स्टूडेंट, ये जो था वो सबसे पहली प्रिमिटिव क्लास थी टेरिडोफाइटा की। हम आने वाली वीडियोस के अंदर और भी जो तीन क्लासेस हैं, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और फिलिसिनी, उनके ऊपर भी वीडियोस लेकर आएंगे। सो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।